उसमें बहुत सारी प्रोसेस आपकी इंक्लूड है। अब देखिए, अब दूसरा जो हमें पढ़ना है, जो आज का टॉपिक है, ये तो कल का नाम मैं आपको बताना भूल गई थी इसलिए मैंने ये बता दिया। अब जो आज का टॉपिक है, और आज का टॉपिक है अपना एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का आप एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कहानी वही है। मींस जो मेन प्रोसेस थी आपकी, जैसे कि पहली मेन प्रोसेस थी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग वगैरह वगैरह वगैरह, तो वही प्रोसेस है। बस मैंने कल भी यही कहा था, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो पार्ट में से थोड़ा सा डिटेल में करा रही हूँ। तो देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन है, जो आयरन का एक्सट्रैक्शन है ये कैसे किया जाता है। तो आयरन के एक्सट्रैक्शन से पहले यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, ये आपके कॉम्पिटिटिव में मिलेगा लेकिन बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं साफ साफ आपको बता देती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा आपका 12th बेस का, कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, चाहे SSC हो या फिर आपका NDA हो या फिर आपका जो ये इंजीनियरिंग वाले हैं, IIT JEE वगैरह हो, नीट हो, वहां पर ये क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन CBSE बोर्ड में ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ICSE में जरूर 10th क्लास में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, हाँ जी, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, हॉल एंड हेरोल्ड बेटा। तो देखिएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन के एक्सट्रैक्शन से पहले आपको पता होना चाहिए ओर। ठीक है, ओर ऑफ आयरन, आयरन के कौन कौन से ओर हैं। ठीक है, जैसे आपको काफी ओर मैंने बता दिए थे, फिर भी एक दो और सुन लीजिएगा। आयरन के जो ओर हैं उनमें फर्स्ट ओर है आपका कौन सा, हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट, जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट का फॉर्मूला, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है क्या आपका, Fe2O3। ठीक, दूसरा ओर है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, हेमेटाइट का Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4। थर्ड है आपका लिमोनाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.2H2O। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहां पर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, और एक और होता है आयरन पाइराइट। ठीक है, आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट का फॉर्मूला है FeS। ठीक है, और फिफ्थ है आपका ठीक है, अब जो आपका फोर्थ है वो है कौन सा, सिडेराइट। ठीक है, सिडेराइट, सिडेराइट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, और स्पैथिक, स्पैथिक, और ये होता है क्या, ये होता है FeCO3। अब देखो, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आयरन पाइराइट से पूछा जाता है, कि आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट क्या है, या फिर आयरन पाइराइट का कभी कभी दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो FeS2, आयरन पाइराइट का दूसरा नाम है फूल्स, फूल्स गोल्ड। ठीक है, मूर्खों का सोना कहा जाता है इसे, आयरन पाइराइट ये पूछा गया है। ठीक है, आप अगर कभी इसके कुछ क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे लास्ट ईयर के कंपटीशन के, तो फूल्स गोल्ड पूछा गया है कि फूल्स गोल्ड क्या होता है। तो फूल्स गोल्ड वास्तव में आप सोचेंगे कि कुछ आपका गोल्ड से ही रिलेटेड है, लेकिन ये जो मूर्खों का सोना है, फूल्स गोल्ड वास्तव में क्या है, आयरन पाइराइट है, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, Fe2S होता है। तो ये है आपके कुछ ओर्स जो कि आयरन के हैं। इनमें सबसे अच्छा ओर होता है कौन सा, हेमेटाइट। ये क्या है, इसमें क्या कह सकते हैं आप, एक्सेस अमाउंट ऑफ, एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन, इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ आयरन मिलता है किसमें, हेमेटाइट में। मैग्नेटाइट में कुछ अमाउंट कम होता है, लिमोनाइट में भी कम है, आयरन पाइराइट फूल्स गोल्ड कहलाता है, जबकि सिडेराइट और स्पैथिक जो है आपका वो FeCO3 है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, यहां से ये फूल्स गोल्ड, ध्यान रखिएगा फूल्स गोल्ड क्या है, आयरन पाइराइट इज फूल्स गोल्ड, सबसे अच्छा क्या है आपका, हेमेटाइट है। ओके, हां जी,
चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो आयरन का एक्सट्रैक्शन, हम सबसे अच्छे ओर, इसका सबसे अच्छा ओर कौन सा होता है? हेमेटाइट। तो हेमेटाइट से हम क्या करते हैं, हेमेटाइट से हम करते हैं आयरन के ओर का एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब आयरन के ओर का एक्सट्रैक्शन आपको हेमेटाइट से करना है, तो इसके लिए सबसे पहले वही प्रोसेस होंगे जो अभी तक करते आए हैं। मीन्स सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा क्रशिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ठीक है, कैसे होगा आप जानते हैं। दूसरा है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, किसका? ओर का कंसंट्रेशन। और आपको पता है स्पेशली इसमें जो आपका आयरन है, आयरन का जो कंसंट्रेशन करेंगे, अधिकतर हम आयरन का कंसंट्रेशन करते हैं किससे? मैग्नेटिक सेपरेशन से, स्पेशली बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन से हम करते हैं। इसके अलावा एक और बात है, अगर आयरन में सल्फर भी प्रेजेंट है तो आपका वो किस में पहुंच जाएगा? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब थर्ड, तीसरे नंबर पे क्या करते हैं? कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। ठीक है, कंसंट्रेटेड ओर का कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग कर लिया। अब कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बाद आपको एक और काम करना पड़ता है, कौन सा? स्मेल्टिंग। क्योंकि आफ्टर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद हमें क्या मिलती है? मेटल ऑक्साइड मिलती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद हमें क्या मिलती है? मेटल ऑक्साइड मिलती है। अब इस मेटल ऑक्साइड का हमें क्या करना है? इस मेटल ऑक्साइड की हमें करनी है क्या? स्मेल्टिंग। तो इसकी जो स्मेल्टिंग है, इस स्मेल्टिंग से, इस स्मेल्टिंग से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो स्मेल्टिंग है, स्मेल्टिंग करने के लिए आप जो फर्नेंस यूज करते हैं, वो फर्नेंस कौन सी होती है? ब्लास्ट फर्नेंस। ठीक है, पहली बात, आप ब्लास्ट फर्नेंस है और ये हाई टेम्परेचर पर होने वाली एक रिएक्शन है। हाई टेम्परेचर पर होने वाली रिएक्शन है, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? पायरोमेटलर्जी। कल ही बताया था, पायरोमेटलर्जी। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा जी? पायरोमेटलर्जी। बिकॉज फर्नेंस है, फर्नेंस में हो रही है, इट मींस ये कैसी होगी आपकी? काफी ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा आपकी कैसी होगी? हाई टेम्परेचर पर होने वाली रिएक्शन है। अब देखिए यहां पर ब्लास्ट फर्नेंस में रिएक्शन हो गई। अब इसमें जो स्मेल्टिंग की प्रोसेस हुई, स्मेल्टिंग की प्रोसेस के बाद ब्लास्ट फर्नेंस से जो आपके आयरन निकल के आता है, तो जो आयरन आफ्टर ब्लास्ट फर्नेंस हमें मिलता है, उस आयरन को पता हम क्या कहते हैं? पिग आयरन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना। ये तो खैर आपको याद ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पर मैंने वो आपको चीजें समझाई दी हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो पिग आयरन है, ये कॉम्पिटिशन एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो आफ्टर स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेंस से जो लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि भाई पायरोमेटलर्जी है, जो मेटल है, जो आयरन है, वो पूरी तरीके से कैसा हो चुका होगा? मेल्ट हो चुका होगा। तो मोल्टन फॉर्म में ब्लास्ट फर्नेंस के बॉटम से जो आयरन मिलता है, वो क्या होता है आपका? पिग आयरन। तो पिग आयरन कहां से मिलता है? ब्लास्ट फर्नेंस के बॉटम में। ठीक है, कहां मिलता है? सबसे लास्ट में, बॉटम में प्रेजेंट होता है, और इसमें टेम्परेचर करीब 1700 केल्विन से भी अबव होता है। ठीक है, इस रीजन का, ब्लास्ट फर्नेंस के इस रीजन का 1700 से भी अबव होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉटम में मिलता है किसके? ब्लास्ट फर्नेंस के। अब देखिएगा, अब देखो ये जो पिग आयरन है, पिग आयरन सबसे पहले ओर के एक्सट्रैक्शन के बाद सबसे पहले मिलने वाला जो आयरन है, वो पिग आयरन है। अब इसमें होता क्या है? पिग आयरन का मतलब क्या है ना? तो पिग आयरन में आपका क्या होता है? 4% कार्बन। भाई बिल्कुल रट लीजिएगा, पिग आयरन में 4% कार्बन और कुछ अमाउंट में सल्फर, सिलिकन, मैग्नीज, सल्फर, सिलिकन, मैग्नीज, आयरन और आपकी कुछ इम्प्योरिटी और मिलती है। ये कैसी मिलती है?
ट्रेसेस अमाउंट में, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, ये इम्प्योरिटी तो आप याद रख ही लेंगे, सल्फर है, सिलिकन है, मैग्नीज है, ठीक है, ये इम्प्योरिटी मिलती है, और 4% क्या होता है आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। अब इसे डिफरेंट कास्ट में क्या कर लिया जाता है, भाई ये कैसा हुआ, कैसा है पिग आयरन, कैसा है पूरी तरीके से आपका पिघला हुआ आयरन है, ठीक है। इसे डिफरेंट जो सांचे होते हैं ना कास्ट में डाल के इसे अलग अलग शेप दे दिया जाता है। क्या हुआ, अच्छा हाँ भाई, तो हम क्या कह रहे थे, पिग आयरन आपका इसमें 4% कार्बन होता है, ठीक है। अब इसमें से कार्बन का जो अमाउंट है, इस कार्बन अमाउंट को हमें धीरे 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 क्या करना है, कम करना है। तो जो पिग आयरन है दिखाई दे रहा है, पिग आयरन आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कास्ट आयरन में, ठीक है। पिग आयरन को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डिफरेंट सांचों में ढाल लेते हैं और उसमें से कार्बन कंटेंट को कम कर देते हैं, और ये इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, केवल और केवल 3% कार्बन, ठीक है। पिग आयरन में कार्बन, ये कार्बन के बेस पर ही आपके क्या है अलग अलग किए गए हैं। पिग आयरन में 4% कार्बन कहाँ से ऑप्टेन होता है, ब्लास्ट फर्नेस के सबसे लास्ट प्रोडक्ट में, ओर में आयरन के ओर से जो सबसे पहले मिलता है ना आयरन, वो कौन सा होता है आपका, पिग आयरन। पिग आयरन को प्यूरिफाई किया जाता है, उससे बनता है कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन में 3% प्रेजेंट होता है अपना कार्बन, ठीक है। कास्ट आयरन में 3% कार्बन प्रेजेंट होता है, और विद सम ट्रेस अमाउंट में इम्प्योरिटी, ट्रेसेस इम्प्योरिटी, ठीक है। अब देखिए तीसरे नंबर पे कास्ट आयरन को और प्यूरिफाई किया जाता है। अब जब हमने कास्ट आयरन को और प्यूरिफाई किया तो ये बनता है रॉट आयरन, रॉट आयरन, ठीक है। एक बात और समझिएगा यहां पर, एक बात और समझिएगा बेटा, जो कास्ट आयरन है ना जिसमें 3% क्या होता है कार्बन प्रेजेंट होता है, कास्ट आयरन में 3% कार्बन प्रेजेंट है, और ये कैसा होता है, ये ब्रिटल होता है, आप समझ रहे हो ना, ब्रिटल। ब्रिटलनेस एक नॉन मेटल का करेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें ये कार्बन कंटेंट ज्यादा होने के कारण ये नेचर में कैसा होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल होने के कारण इससे अधिकतर आपकी जो आयरन का जहां पर भी यूज करना होता है, मेल्ट करके जो बनाना होता है, वो सारी चीजें नहीं बन सकती। अब आते हैं रॉट आयरन, रॉट आयरन में जो कार्बन का कंटेंट है बहुत कम हो जाता है, काफी प्योरिफाइड आयरन है, इसमें 0.2 से 0.5% कार्बन प्रेजेंट होता है, और बहुत स्ट्रेस अमाउंट में, ट्रेसेस अमाउंट में इम्प्योरिटी, ठीक है, ट्रेसेस अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, और वो भी इम्प्योरिटी के फॉर्म में क्या हो सकता है आपका, सिलिका, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, इम्प्योरिटी के फॉर्म में यहाँ पर क्या मिल सकता है आपको, सिलिका मिल सकता है, ठीक है। चलिए तो जो हमारा रॉट आयरन है, रॉट आयरन में इम्प्योरिटी के फॉर्म में सिलिका और फॉस्फोरस भी लिख सकते हैं आप, और ये जो सल्फर है, मैग्नीज है, ये ऑक्साइड के फॉर्म में पहले ही रिलीज हो चुकी होती हैं जब हम पिग आयरन को रॉट आयरन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और वो भी ये भी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी बेटा हाई टेम्परेचर पर होती है, ठीक है। तो जो रॉट आयरन है, रॉट आयरन में कार्बन की परसेंटेज, भाई जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे, 0.2 से 0.5, भाई पॉइंट मेरे दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये इतनी रहती है कार्बन की परसेंटेज। और जो रॉट आयरन है, ये रॉट आयरन कैसा होता है, ये रॉट आयरन बेटा मैलिएबल होता है, मैलिएबल है, ठीक है, डक्टाइल है, मीन्स जितनी भी मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, ये सब मिलती हैं किसमें, रॉट आयरन में। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पिग आयरन क्या है, कास्ट आयरन क्या है, और रॉट आयरन क्या है। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। हाँ बेटा, मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही प्रसिस्टि बताया था कि इतना प्यूरिफाई करने के बाद भी 100% प्योर हमें मेटल नहीं मिलती। इनफैक्ट कल आपने पढ़ा था कि जो हमने रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किया था एल्यूमिना का, उसमें भी 99.95% प्योर एल्यूमिनियम मिला था, ठीक है, और इसमें भी अभी कितनी सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। 100% प्यूरिफाई हम नहीं कर सकते हैं किसी भी मेटल को, ओके। लो भाई हट गए हम साइड।
चलिए बेटा ये बात समझ में आई सभी के? जरा यस लिखना, समझ गए तो फटाफट से यस लिखिएगा। ओके सुमान्या, ठीक है बेटा, ठीक ठीक ठीक। अब देखिए, अब जो रॉट आयरन है, मुझे यही लिखना है, पूरा रफ नहीं करना है, जो रॉट आयरन है ना, ये रॉट आयरन इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? स्टील में, ठीक है। रॉट आयरन से जो स्टेनलेस स्टील है वो कैसे बनाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब लिखते हैं ऊपर से, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड में, रॉट आयरन कन्वर्ट टू स्टील, स्टील का मतलब स्टेनलेस स्टील। तो रॉट आयरन को स्टील में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो अगर कभी कभी पिग आयरन भी पूछ लिया जाता है, मैं से रॉट को हटा दूं और मैं यहां पर अगर पिग लिख दूं, ठीक है, तो पिग आयरन को स्टील में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? फर्स्ट पिग आयरन को कन्वर्ट करते हैं हम कास्ट आयरन में, कास्ट आयरन में, ठीक है। आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फर्स्ट पिग आयरन, पिग नहीं पिग आयरन लिख दूं, नहीं तो आप तो कुछ और ही समझ जाएंगे बाद में। तो जो पिग आयरन है, पिग आयरन को कास्ट आयरन में कन्वर्ट करते हैं और कास्ट आयरन में से और इम्प्योरिटी खत्म करते हैं और इसे क्या बना लेते हैं? रॉट आयरन, रॉट आयरन, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, ठीक है। आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होता है? रॉट आयरन। अब इस रॉट आयरन को और स्टील में, ठीक है, रॉट आयरन को स्टील में कन्वर्ट, स्टेनलेस स्टील में, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट करने की बहुत सारी प्रोसेस है, ठीक है। जैसे प्रोसेस के नाम मैं लिख रही हूं, बेसेमर प्रोसेस, बेसेमर प्रोसेस। ये आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे तो प्रोसेस एक बतानी है, लेकिन अगर आपसे कोई कह ले क्या इस प्रोसेस से चेंज नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो कौन सी है आपकी? बेसेमर प्रोसेस, थॉमसन प्रोसेस, थॉमसन प्रोसेस, ठीक। इसके अलावा आपकी कौन सी है? साइमन प्रोसेस, साइमन प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा एक और है आपकी, इधर लिखे दे रही हूं, साइमन इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा एक और है आपकी बी ओ पी, ठीक है। कौन सी है आपकी? बी ओ पी। और बी ओ पी का जो फुल फॉर्म है, बी ओ पी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस, ठीक है। कौन सी है आपकी? बेसिक, बेसिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोसेस। तो ये आपकी प्रोसेस है जिससे कि रॉट आयरन इज कन्वर्टेड इनटू स्टेनलेस स्टील, ठीक है। रॉट आयरन को हम स्टेनलेस स्टील में क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो बीओपी है, ठीक है, बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे चीप मीन सस्ती प्रोसेस है और बहुत फास्ट होने वाली प्रोसेस है, बात समझ गए ना। और जो इसमें अधिकतर आपके जो कह सकते हैं आपकी डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड की जरूरत भी नहीं पड़ती, केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जो भी आपका आयरन है, ठीक है, आयरन की स्मेल्टिंग, सॉरी हाँ, आयरन की स्मेल्टिंग कर दी जाती है, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्या है? आयरन है, यहां से समझिएगा, आपके पास आयरन है और आयरन में क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। अब इसका ऑक्सीडेशन कर दें, बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस ही तो है, तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे ना, तो इसमें प्रेजेंट जो इम्प्योरिटी है वो कार्बन मोनो या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस बना के क्या हो जाएगी? हट जाएगी और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? आयरन मिल जाएगा, ठीक है। अब आयरन मिला और आयरन इसी प्रोसेस में, बीओपी प्रोसेस में ही हम जो डिफरेंट आपके स्टेनलेस स्टील में यूज होने वाले डिफरेंट मटेरियल है उनको भी इधर ही हम एड कर देते हैं, ठीक है। तो उस बीओपी प्रोसेस में क्या लेते हैं हम? लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस और इसमें क्या ऐड किया जाता है? इसमें क्रोमियम ऐड कर देते हैं, निकल ऐड कर देते हैं प्लस, ठीक है, क्रोमियम है, निकल है और स्टेनलेस स्टील में और क्या होता है? आयरन तो है ही, ठीक,
ये सब हम इसमें क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। कार्बन ऐड नहीं किया जाता है, कार्बन उसमें पहले से ही प्रेजेंट होता है ना। रॉट आयरन है, रॉट आयरन में भी कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। और कार्बन कंटेंट रॉट आयरन में कितना प्रेजेंट था आपका, रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट 0.2 से 0.5% प्रेजेंट था, लेकिन ये स्टील में, अलग अलग स्टील में कार्बन कंटेंट बढ़ सकता है। ठीक है, जो ये कार्बन कंटेंट है ये 0.2 से लेकर और 1.5% तक हो सकता है किसमें, स्टील में कार्बन का कंटेंट। ठीक है, कार्बन की परसेंटेज आपकी 1.5 से लेकर और 0.2 तक हो सकती है। समझ गए, उल्टा लिख दिया मैंने, सीधा कर लीजिएगा। तो 1.5 से मींस इतना ज्यादा से ज्यादा 1.5 और कम से कम 0.2% हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बीओपी, बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस। और हाँ एक बात और, बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस के बारे में एक बात और समझ लीजिए, ये इतनी फास्ट होती है, आपसे पूछा जाए कि बीओपी ही इतनी सारी प्रोसेस में आपने बीओपी को ही क्यों चुना, तो जो हमारी प्रोसेस है ना, बीओपी, बीओपी प्रोसेस है, ये बहुत फास्ट होती है। आप सुनेंगे कितना फास्ट होती है, तो समझिए कितना फास्ट होती है, 300 tons स्टेनलेस स्टील फॉर्म्ड बाय बीओपी ओनली इन 40 minutes। समझ गए ना, आप समझ सकते हैं, ये आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, 300 टन स्टेनलेस स्टील बीओपी प्रोसेस से केवल 40 मिनट में बन जाती है। समझ रहे हो ना, ओनली 40 मिनट में 300 टन स्टेनलेस स्टील बन जाती है बीओपी में। इसलिए बीओपी इज बेस्ट। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये सारी आपकी कहानी थी। तो यहां से जितना भी आपका पूछा जाता है अलग से आयरन से, वो भी मैंने आपको करा दिया यहां से, उसके जो फूल्स गोल्ड है वो पूछा जाता है। दूसरी बात, ये कहानी पूछी जाती है कि पिग आयरन को कैसे स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट किया जाता है, किस प्रोसेस से किया जाता है, ये प्रोसेस ही आपने क्यों यूज की। ठीक है, तो क्यों यूज की आपको पता है। अब इसके अलावा इसमें से पिग आयरन, कास्ट आयरन और रॉट आयरन में डिफरेंस पूछा जाता है, जो आप लिख चुके हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और समझ आ गया तो फटाफट से यस फिर से लिखिए। ठीक है, ओके, सभी सभी ठीक है, हाँ, चलिए ठीक है। तो ये आपकी बात समझ में आ गई। हाँ बेटा, 300 tons, बिल्कुल यस, 300 tons बहुत ज्यादा है, वही तो मैं बता रही हूँ कि कितना ज्यादा बन जाता है ये प्रोसेस आपका, 300 tons, बिल्कुल सही बात, 300 tons केवल 40 मिनट में बीओपी से बन जाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने 50 ग्राम आयरन ले लिया और उसमें 5-5 ग्राम ये सब मिला दिए तो आपका 300 tons, रॉ मटेरियल भी इतना होना चाहिए। ठीक है, जब आपका रॉ मटेरियल इतना होगा तो 40 मिनट में 300 टन आराम से आपकी ये फॉर्मेशन हो जाता है इसका। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक नहीं होगी। अब देखिए, मैं जो नया टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैं, आप इसको जस्ट 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, रिज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें टाइम बचा नहीं है, इस वाली मीटिंग में मुश्किल से 5 मिनट्स बचे हैं, अधूरा रह जाएगा, तो मैं इसको एंड करके आप नई मीटिंग में आइए, उसमें मैं इस चैप्टर का लास्ट करा देती हूँ। ठीक है, ओके।